और निवेदन कर दिया। एक तरफ तो भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, दूसरी तरफ ऐसे ऐसे दोष लगाते हैं कि यदि गांव में ऐसे चरित्र का कोई बेटा रहता हो, कोई लड़का रहता हो, तो गांव के सरपंच उसका हुक्का पानी बंद कर दे। क्यों मैनो? लड़कियों को छेड़े, चोरी करे, झूठ बोले, कपड़े उठाए, बंसी बजाए, सड़कों में नाचता फिरे, और एक नहीं 16,000 तो बहुत ज्यादा होती है, बस एक से अधिक दूसरी ही पत्नी लेकर के आ जाए, तो बताओ गांव के लोग तिरस्कार करेंगे या नहीं करेंगे? पंचायत हुक्का पानी बंद करेगी या नहीं करेगी? पर इन्होंने भगवान के ऊपर ये दोष लगाए हैं। क्यों लगाए? क्योंकि मंच पर बैठे हुए भागवताचार्य को ये काम अपने आप करने हैं, तो पब्लिक में बैठी हुई महिलाओं को गोपियां बना देते हैं और कहते जब तक कथा में, भागवत की कथा में नाचोगे नहीं, तब तक बोल दो भागवत की कथा का लाभ मिलने वाला। पर आश्चर्य की बात है, मजा भी लोगों को वही आता है। मजे के लिए तो लोग काम करते हैं। जहां कृष्ण का अति उत्तम चरित्र बताया जाता है, वहां पर आने को लोग तैयार नहीं। और यहाँ आप डीजे बजा करके मनियारे का भेष बनाया, चूड़ी बेचने आया, ये गीत बजा देते और झांकियां निकाल देते, नाचने वालों को बुला देते, दिन में शराब पीते हैं और नाचते हैं तब भी शराब पिए हुए हैं, उनको कृष्ण बना करके, एक को राधा बना करके नचा देते, तो इतनी भीड़ होती कि पैर रखने की भी जगह मिलने वाली नहीं थी। और लोग कहते भक्ति हो रही है, भक्ति ये भक्ति होती है? भक्ति जिन कामों को लोग पर्दे के पीछे करना अच्छा मानते हैं, वो मंचों पर होते हैं, लोग कहते भक्ति हो रही, बोलना मत, कुछ मत कह देना, भक्ति चल रही है। मैं निवेदन कर दूं, लोगों ने नमस्ते करनी छोड़ दी, लोगों ने राम राम करनी छोड़ दी, लोगों ने कृष्ण कृष्ण कहना छोड़ दिया, अब लोग कहते राधे राधे, कहते नहीं जय श्री राधे, हाथ उठा करके बोलो राधे राधे, कहते या नहीं कहते? जानते हो राधा कौन थी? निवेदन कर दूं आपके बीच में, राधा कौन थी जानते हैं? क्यों बहनों? फिर किसी ने आकर के कह दिया, हमने मान लिया। अच्छा मुझे ये बात समझ नहीं आती कि कहता कौन है, ये पूछते भी नहीं कि आखिर ये बात कही किसने। अभी रक्षाबंधन गई, कौन सी तारीख की थी बताओ? अच्छा यहां कौन सी तारीख की मनाई? कुछ ने 31 की भी मनाई होगी, कुछ ने रात को भी करी होगी, ऐसा था। हाँ 30 की थी, आपके घर में 30 की हुई तो आप सौभाग्यशाली हैं। मैं निवेदन कर दूं आपके बीच में, किसी ने 2 दिन पहले भ्रांति फैलाई सोशल मीडिया पर कि भद्रकाल लगेगा, और भद्रकाल में जो बहन अपने भाई को राखी बांधेगी उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। अब बहनें तो भाइयों से बहुत प्यार करती है, वो क्यों चाहेगी? और ऐसे ऐसे उपाय देते, ऐसी बात कही जो बिल्कुल तैयार ना हो। किसी भी बहन ने ये नहीं पूछा कि आखिर ये बात कही किसने और चली कहां से। सबने मान ली, सबने उसको धारण कर लिया। सबसे पहले तो संस्कृत के शब्दकोश को पढ़ना, आप लोग हवन करते हैं, स्वस्ति वाचनम के मंत्र को पढ़ना, स्वस्ति वाचनम के मंत्रों में यह शब्द बार बार आता है, भद्र आन भद्रो कृतवो, बहुत सारे मंत्र आते हैं। संस्कृत में भद्र का अर्थ अच्छा होता है, कल्याणकारी होता है, और बुरा क्या होता है? अभद्र, उपसर्ग लगता है भद्र से पहले ऐ, तब जाकर के बुरा माना जाता है। भद्रकाल यानी कि अच्छा समय, भद्र तो अच्छा हुआ या नहीं हुआ? संस्कृत का शब्दकोश कह रहा है, मैं नहीं कह रही हूं। भद्रकाल तो अच्छा समय, फिर डरने की क्या बात? और देखो उदाहरण कैसा दिया इन पाखंडियों ने, बचाओ इस देश को वरना हिंदुओं तुम्हारे त्योहार भी समाप्त हो जाएंगे आने वाले कल में, ये सब त्योहार समाप्त होंगे। वैदिक रीति में कोई शुभ कर्म रात को नहीं करते,
इन्होंने कहा राखी बांधनी है तो रात को बांधना, दिन में मत बांधना। दिन में बांधनी नहीं थी, रात को वैदिक संस्कृति में बांधते नहीं है, तो इनका अर्थ है बांधना छोड़ दो, ये त्योहार मनाने छोड़ दो। फिर क्या मनाओ? क्रिसमस मनाओ 25 दिसंबर को, तब भद्रकाल नहीं लगता। दिन लेकर 24 घंटे तक मनाओ, एक दिन पहले मनाना शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, सारा समय शुभ है। निवेदन कर दूं आपके बीच में कहानी भी बनाई, कहानी कौन थी ये भद्र, वैसे भद्रकाल लगेगा पर ये कौन थी? बोले ये है शनि की बहन, सूर्य की बेटी और सूर्य की पत्नी थी छाया। पता नहीं इनको ऐसी सी कहानी सुनाता कौन है जिसके सिर है ना पैर है। और आगे सुनो कि रावण की बहन शूर्पनखा ने रावण को भद्रकाल में राखी बांधी थी और रावण का नाश हो गया। भाई साहब वाल्मीकि रामायण को 5-6 बार पढ़ पढ़ के घेर दिया। रामायण राम कथा भी करते हैं अक्टूबर में भी, अभी है 7 दिन की, 3-4 राम कथा इस वर्ष में भी की, और रामचरितमानस को भी एक बार पूरा पढ़ा चौपाइयों के सहित कि भाई रामचरितमानस में क्या है, वाल्मीकि रामायण में क्या है, थोड़ा अंतर तो स्पष्ट हो। पर ना तो बाबा तुलसीदास ने लिखा और ना महर्षि वाल्मीकि ने लिखा कि शूर्पनखा ने रावण को राखी बांधी थी। अच्छा बहनों, आपने टीवी पर लॉकडाउन में बहुत रामलीला देखी होगी, देखी तो टीवी वालों ने दिखाया हो, टीवी वाले कुछ भी दिखा देते हैं वैसे, पर उन्होंने दिखाया हो कि शूर्पनखा ने रावण को राखी बांधी थी। देखी, आज से पहले आपने ये घटना सुनी? अरे बोलो, डरते क्यों हो? अब भद्रकाल तो चला गया, डरो मत। आपने आज से पहले ये बात सुनी कि शूर्पनखा ने रावण को राखी बांधी थी? हमने तो यही पढ़ा, यही सुना, वाल्मीकि जी भी यही कह रहे हैं, तुलसीदास जी भी यही कह रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने टीकाकार बनाया, जो टीकाकार है उन्होंने टीका लिखी, वो भी यही कह रहे हैं कि रावण का नाश इसलिए हुआ था क्योंकि उन्होंने माता सीता का हरण किया था, उन्होंने नारी का अपमान किया था, उन्होंने नारी पर कुदृष्टि डाली थी, उन्होंने धर्म के मार्ग को छोड़ा था। ये कहानियां बनाई और हिंदू जाति मूर्ख और इतनी भोली, इन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि वो कौन सी किताब है जिसमें रावण की बहन ने राखियां बांधी थी। आज के बाद रामलीला होगी तो राखियों का भी प्रसंग आया करेगा, अब तैयार रहना।